नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 29 अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में पुरानी गाड़ियों के लिए जल्द ही खुलेंगे स्क्रैप सेंटर। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ IAS अफसरों का तबादला। बिहार के चाय को भी मिलेगी अब राष्ट्रीय पहचान। बिहार में लगेगी लीची की प्रोसेसिंग यूनिट। बिहार में सरकारी कर्मियों का प्रमोशन और वेतन वृद्धि मूल्यांकन होगा अब इस सिस्टम के तहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पुरानी गाड़ियों के लिए जल्द ही खुलेंगे स्क्रैप सेंटर। बिहार की नीतीश सरकार ने हाल ही में बिहार की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने की पहल की है, जिसके तहत ही बिहार के पुराने और अनफिट वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर को खोलने का काम होने वाला है। जून महीने से इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है, जिसमें आम लोगों की भागीदारी होने वाली है। परिवहन विभाग की तरफ से इस योजना के तहत काम को भी अब पूरा कर लिया गया है। इस सेंटर के खुल जाने से आम लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, सबसे खास बात तो यह है कि सेंटर से अनफिट और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप केंद्र पर नष्ट होने पर वाहन मालिकों को छूट का लाभ मिलेगा। गैर व्यवसायिक गाड़ियों के लिए नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में 25%, जबकि व्यवसायिक गाड़ियों के मामले में 15% की छूट मिलेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री की। बाबू देवकी नंदन खत्री के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलस्म, अय्यार और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जितने हिंदी पाठक उन्होंने किए हैं, उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं किए। देवकी नंदन खत्री जी का जन्म 18 जून 1861 शनिवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पूसा में हुआ था। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ IAS अफसरों का तबादला। बीते दिन बिहार में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला कर उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसकी अधिसूचना बीते दिन ही सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई थी। विभाग की तरफ से साझा की गई अधिसूचना के अनुसार राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा को मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना किनी को बिहार राज्य योजना परिषद का मुख्य परामर्शी के पद पर पदस्थापित किया गया है। तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर मिहिर कुमार सिंह को पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को श्रम संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। बिहार में खत्म होने की कगार पर कुष्ठ रोग के मामले। बिहार में कुष्ठ रोग के मामलों में कमी आने की खुशखबरी बीते दिन खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ उन्मूलन को लेकर काफी सजग और सतर्क है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसका ही असर हुआ है कि बिहार में इसके प्रसार दर में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का कुष्ठ रोग प्रसार दर 0.61 प्रति 10,000 की जनसंख्या पर आ गया है। उन्होंने ही बताया कि साल 2017-18 में प्रति 10,000 प्रसार दर 1.18 था। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे ये भी कहा है कि इस बीमारी के उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे सतत प्रयास का नतीजा है कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और राज्य इसके उन्मूलन की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहा है। पटना विश्वविद्यालय में 211 गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के लिए इस समय से शुरू होगा इंटरव्यू। पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी पिछले काफी लंबे समय से है, जिसके कारण ही छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पा रही है। विश्वविद्यालय में 280 से अधिक स्थायी शिक्षकों के पद खाली है। ऐसे में अब शिक्षकों की कमी को फिलहाल के लिए दूर करने के उद्देश्य से बीते साल अक्टूबर के महीने में 206 गेस्ट फैकल्टी शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई थी। जनवरी 2022 तक ये रिक्तियां भरने का काम हो जाना था, लेकिन कोरोना की तीसरी के कारण ये काम भी नहीं हो सका, जिसके बाद ही इसके एक्सटेंड किए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद अभी तक कुल 206 गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के पद नहीं भरे गए हैं। उम्मीद है कि मई महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS ने निकाली रिक्तियां। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS ने सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहायक डेटा विश्लेषक के कुल मिलाकर 150 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, गणित या सांख्यिकी या संचालन अनुसंधान या अर्थशास्त्र या समकक्ष या MCA या MSc या BSc में 60% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर्स या स्नातक डिग्री और गेट स्कोर 2022 में होना अनिवार्य है।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट cris.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में शराब की प्रभावी निगरानी पर रोजाना खर्च हो रहे हैं लाखों रुपए। बिहार में कहने को शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम भी बखूबी बिहार में होता रहा है। इसको लेकर ही बिहार की नीतीश सरकार ने शराब पीने वाले और शराब बेचने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन को लगाया था, लेकिन ड्रोन के रखरखाव में ही नीतीश सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। रोजाना जरूरत के मुताबिक 15 से 20 ड्रोन को दुर्गम क्षेत्र में उड़ाने का काम होता था। इस तरह ड्रोन की उड़ान से चौकसी करने पर रोजाना 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है, यानी रोजाना औसतन 320 से 370 वर्ग फुट क्षेत्र की चौकसी इसके माध्यम से होती है। ड्रोन से निगरानी रखने की प्रक्रिया की शुरुआत इस साल 21 जनवरी से शुरू की गई है, जो अभी तक जारी है। बिहार में तपती गर्मी के बीच आंधी बारिश के साथ ठंड का गिरने की आशंका। बिहार में मौसम का मिजाज बेहद ही गर्म है। अगले 48 घंटे में दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार में जबरदस्त लू चलने के आसार है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ बारिश होने की संभावना हालांकि जताई गई है। IMD ने इसको लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। बिहार में औसत उच्चतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। बिहार में पहली बार हुई पक्षियों की गिनती। बिहार में पक्षियों की चहचहाहट सुबह से ही सुनाई देती है, लेकिन अब तक ये नहीं पता था कि बिहार में कौन कौन सी चिड़ियां मौजूद है, लेकिन हाल ही में बिहार में मौजूद सभी चिड़ियों की गिनती का काम पूरा हुआ है। उसमें ये खुलासा हुआ है कि बिहार में 202 प्रजातियों के 45,173 पक्षी निवास करते हैं। गणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जलीय पक्षियों की 80 प्रजातियां हैं, जिनकी संख्या करीब 39,937 है। इसके अलावा जलीय प्रकृति से जुड़ी पक्षियों की 21 प्रजातियां और स्थलीय पक्षियों की 101 प्रजातियां पाई गई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पक्षियों की गिनती में 146 घंटे और 22 मिनट का समय लगा। बिहार के चाय को भी मिलेगी अब राष्ट्रीय पहचान। बिहार की चाय अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की चाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसको लेकर भारतीय चाय बोर्ड को पत्र भेज दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में उत्पादित होने वाली चाय कुछ खास लोगों के लिए ही तैयार की जाती है। यही कारण भी है कि अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर अलग से पहचान दिलवाने की तैयारी हो रही है। कृषि मंत्री और कृषि सचिव सहित कई बड़े अधिकारी 30 अप्रैल तक किशनगंज पहुंच रहे हैं। यहां बिहार की चाय के विकास को लेकर एक पर परिचर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उद्योग निकाय सहित बिहार के सभी प्रमुख चाय उत्पादकों को भी इसमें बुलाया गया है। सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर। बिहार में सब्जी उत्पादन का रकबा जरूर बढ़ा है, लेकिन बिहार को सब्जी उत्पादन में देश के अव्वल राज्य में शुमार होने में अभी समय लगेगा। इसके लिए सरकार के साथ साथ किसानों को भी मेहनत करनी होगी। पिछले 3 सालों में सब्जी की खेती का रकबा और उत्पादन दोनों बढ़ा है, बावजूद अभी बिहार तीसरे पायदान पर है और देश के उत्पादन में बिहार का योगदान 10% से नीचे ही है। वहीं पूरे उत्पादन में 15% तक योगदान देने वाली उत्तर प्रदेश और बंगाल पहले और दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य बिहार को देश में अव्वल बनाने का है। इसके लिए बीज से लेकर कीटनाशी की गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयास से लेकर जैविक खेती के प्रोत्साहन तक की योजना सरकार चला रही है। इन चीजों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च रहा है बिहार। बिहार का खर्च कई अन्य राज्यों के मुकाबले समाज के हर एक हिस्से को प्रभावित करने वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बताया गया है, जिसका खुलासा हाल ही में PRS लॉजिस्टिक्स रिसर्च के विश्लेषण में किया गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शिक्षा पर बिहार के चालू बजट में 18.4% राशि का प्रावधान किया गया है। अन्य राज्यों ने इस मद में औसत 15.2% राशि का आवंटन किया। शिक्षा पर बिहार से अधिक आवंटन छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश का है। वहीं बिहार ने ग्रामीण विकास में कुल बजट का 10.6% हिस्सा खर्च करने का प्रावधान किया है। अन्य राज्यों का औसत आवंटन 5.7% है। पुलिस पर खर्च के मामले में भी बिहार का व्यय अन्य राज्यों के औसत से अधिक है। बिहार में लगेगी लीची की प्रोसेसिंग यूनिट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की लीची विश्व स्तर पर काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि लीची के मौसम में इस जिले की लीची का स्वाद चखने के लिए हर कोई बेताब होता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित लीची को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग ने अब अपना कदम आगे बढ़ाया है। समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत ही अब जिले का चयन कर लिया गया है। इससे अब आने वाले दिनों में पैक्स और व्यापार मंडल लीची प्रोसेसिंग यूनिट 500 और 1000 MT क्षमता वाला गोदाम
कंपोजिट यूनिट का निर्माण करने वाला है। इससे मसाला, गेहूं पिसाई, तेल पिराई और अन्य कृषि उत्पाद को बाजार दिलाने में भी काफी सहयोग मिलेगा। भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक खुदाबख्श लाइब्रेरी की 12 लाख किताबें हुई डिजिटल। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है। ये बिहार प्रांत के पटना शहर में स्थित है। मौलवी खुदाबख्श खान के द्वारा संपत्ति पुस्तक के निजी दान से शुरू हुआ और ये पुस्तकालय देश की बौद्धिक संपदाओं में काफी प्रमुख है। अशोक राजपथ स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी की लगभग 12 लाख पुस्तक और पांडुलिपियों को अब डिजिटल करने का काम किया गया है। इसमें कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जो दुर्लभ हैं। इसको लेकर हाल ही में प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने खुदाबख्श लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, यहाँ की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को देखा, म्यूजियम हॉल एवं दुर्लभ पांडुलिपि कक्ष में घूमे। उपलब्ध पुस्तकों और पांडुलिपियों का इस दौरान उन्होंने अवलोकन भी किया। बिहार में सरकारी कर्मियों का प्रमोशन और वेतन वृद्धि मूल्यांकन होगा अब इस सिस्टम के तहत। बिहार के सभी सरकारी महकमे के अफसर और कर्मचारियों ने साल भर कितना काम किया है, कितना नहीं, इसकी सारी जानकारी अब मिलने वाली है, क्योंकि इन कर्मचारियों के कामकाज का मूल्यांकन ऑनलाइन होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पुरानी व्यवस्था में ये काम ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन होने से अफसर कर्मचारियों के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी सरकार को कई बार समय पर नहीं मिल पाती थी। अनावश्यक होने वाले विलंब और समय पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकार ने सभी विभागों के अफसर, कर्मचारियों, इंजीनियर और वास्तुविद के कामकाज के लिए केंद्रीय पैटर्न पर ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था बहाल की है। इसके लिए ही अब स्पैरो सिस्टम लागू कर दिया गया है। सभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार दरोगा मेंस परीक्षा में सफलता के बाद छात्रों के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी द्वारा बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स के लिए करंट टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। फुल लेंथ वाले टेस्ट सीरीज में कुल दो मॉडल सेट है जो अप्रैल 2022 तक अपडेट किए गए हैं। टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और छात्रों द्वारा इसे बेहद पसंद किया जा रहा है। फिलहाल ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और व्हाट्सएप नंबर 9470797410 के माध्यम से छात्र इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज संपूर्ण व्याख्या सहित है और इसका वीडियो डिस्कशन भी स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। बहुत जल्द बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भी स्टूडेंट साथी द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा। स्टूडेंट साथी बिहार की परीक्षाओं जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए शानदार कॉन्टेंट्स के लिए भी जाना जाता है। गंडक नदी पर बनेगा झूला पुल। वाल्मीकि नगर से सटे पड़ोसी देश नेपाल के त्रिवेणी बाजार से लवकुश की जन्मस्थली वाल्मीकि आश्रम भक्तों और पर्यटकों को जाने के लिए सुगम और नजदीक का रास्ता तैयार करने के उद्देश्य से नेपाल प्रशासन की तरफ से नेपाल से त्रिवेणी घाट से वाल्मीकि आश्रम के नजदीक नेपाली क्षेत्र के पहाड़ी तक गंडक नारायणी नदी के ऊपर झूला पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पुल के निर्माण के लिए लगभग 8 करोड़ नेपाली रुपए में इसका ठेका दिया गया है। नेपाल सरकार के संघीय मामला तथा सामान्य सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस पुल के निर्माण का काम जल्द ही खत्म होने वाला है। पहले ना और अब मान गए मंत्री जी कि बिहार में वाकई में है बिजली संकट। बिहार में बिजली की भीषण समस्या है क्योंकि भरी गर्मी में कई इलाकों की बत्ती गुल रहती है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि बिहार के नीतीश सरकार इस बात से इनकार करती आई थी कि बिहार में बिजली संकट है, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री ने खुद माना है कि बिहार में वाकई में बिजली की संकट है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव की माने तो अभी 1000 मेगावाट की कमी हो रही है, लेकिन झुलसाती गर्मी के बीच लोगों को आश्वासन देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि 1 से 2 दिनों में बिहार को बिजली संकट से छुटकारा मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर के माता चामुंडा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिला मुख्यालय के पूर्वोत्तर में 30 किलोमीटर दूर कटरागढ़ में शक्तिपीठ चामुंडा स्थान अवस्थित है। देवी चामुंडा का स्वरूप पिंडनुमा है जो स्व अंकुरित बताई जाती है। माना जाता है कि यहीं पर चंड और मुंड का वध हुआ था। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि माना जाता है कि देवी पूजन के लिए ये दिन बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल पर चंद्रवंशी राजाओं का साम्राज्य था। 13वीं सदी में चंद्रसेन सिंह नामक राजा यहाँ राज करता था और माता चामुंडा की आराधना कुलदेवी के रूप में करता था। देवी द्वारा चंड और मुंड का वध करने के कारण ही इन्हें चामुंडा कहा जाता है। राजद जदयू के बाद आज मांझी की होगी इफ्तार पार्टी। बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टी के नाम पर राजनीति जारी है। रमजान के महीने में बिहार के अंदर सियासी इफ्तार का सिलसिला जारी है। पहले राजद, फिर बीते दिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिए गए इफ्तार पार्टी के बाद आज बारी मांझी के हम पार्टी की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जीतनराम मांझी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भाजपा के प्रमुख नेताओं को न्योता भेज दिया गया है। खास बात तो यह है कि जीतनराम मांझी ने इफ्तार पार्टी में तेज और तेजस्वी
एसी दोनों को बुलाया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने खुद भी इस बात की पुष्टि की है। सीबीएसई की टेली काउंसलिंग हुई शुरू। सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के लिए टेली काउंसलिंग बीते दिन से शुरू कर दी है। इसको लेकर ही बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1800118004 जारी किया है। अगर किसी छात्र को बोर्ड परीक्षा का मानसिक दबाव है या फिर परीक्षा से उन्हें डर लग रहा है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके परामर्श ले सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि टोल फ्री नंबर पर परामर्श 24 घंटे चालू रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेली काउंसलिंग सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक ही चलेगी। टेली काउंसलिंग में विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। इसमें देश भर के 92 प्राचार्य और काउंसलर की टीम बनाई गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली में लाल किले की नींव 1649 में आज ही के दिन रखी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा का 1979 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार भामाशाह का 1547 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 1979 में भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप का निधन हुआ। 1999 में भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा का निधन हुआ। आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी से मांगा तलाक, ज्योति ने भी लगाए गंभीर आरोप। बिहार के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मांगा है। इसको लेकर उन्होंने आरा के फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी भी लगाई है, जिसके बाद ही फैमिली कोर्ट में सुनवाई के लिए उनकी पत्नी पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच पाए। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। वहीं खबर के अनुसार इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 26 मई की दी है। पत्नी ने उन पर किसी और के साथ अफेयर होने तक का आरोप लगाया है। अब एक साथ कई फोन से कर सकेंगे चैटिंग। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यूजर के लिए कुछ हफ्तों पहले मल्टी डिवाइस फीचर रोल आउट किया था। इस फीचर की मदद से यूजर फोन में इंटरनेट कनेक्शन के ना होने या फिर फोन ऑफ होने पर भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते थे। अब कंपनी इसी फीचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। WABeta Info की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्द ही यूजर के लिए लिंक न्यू मोबाइल डिवाइस नाम का एक फीचर लाने वाली है। इस फीचर के आने के बाद यूजर एक व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे स्मार्टफोन पर चला सकेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,080 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,450 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,800 रुपए था। यानी कि बीते दिन सराफा बाजार की कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर थे। दिल्ली ने 4 विकेट से कोलकाता को दी मात। आईपीएल 2022 के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 147 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि छक्का लगाकर डीसी की जीत को पक्का करने वाले रोवमैन पावेल 16 गेंद पर नाबाद 33 रन बनाते देखे गए। कोलकाता की तरफ से उमेश यादव के खाते में 3 विकेट आए। दिल्ली की 8 मैच में ये चौथी जीत थी। टीम को 4 मैच में हार का सामना भी करना पड़ा है। वहीं केकेआर की 9 मैचों में ये लगातार 6ठी हार रही। पिछले मैचों में टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने अब तक केवल 3 मैच ही जीते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रूपमाला कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, गोलू कश्यप, राजीव रंजन, पप्पू कुमार, मोनिका झा, जितेंद्र रविदास, गोपाल वर्मा, विकास कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, गर्मी से बचने के लिए आप कौन से उपाय करते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।